ইস্যু কিন্তু আমরা ছাড়বো না, আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ে যাব। আমি সব এভিডেন্স পেয়ে গেছি, সব এভিডেন্স দিয়ে প্রমাণ করে দেবো। বিজেপির প্রার্থী সকালবেলা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে কোর্টের অর্ডার না মেনেও মিছিল করেছিল কেন? बात साल 2000 की है। पश्चिम बंगाल की 6 खस्ता हाल सार्वजनिक यूनिट्स को बंद करने के लिए वाजपेयी सरकार के फैसले से ममता बनर्जी भयंकर तौर पर नाराज हो गई। कुछ दिन बाद अटल जी कोलकाता के कालीघाट के उनके घर पहुंचे। ममता की मां गायत्री देवी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उनसे कहा, आपकी बेटी बहुत शरारती है, मुझे बहुत तंग करती है। अटल जी से के इस व्यवहार से ममता का गुस्सा फुर हो गया, लेकिन 22 साल बाद उसी एनडीए के दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी ताल ठोक कर खड़ी हैं और विपक्ष के कई नेता उन्हें पीएम पद का दावेदार मान रहे हैं। मुद्दा लाख पूरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर पूरा होता है। आप रहे कुल कुल, आप रहेगा कुल कुल। जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाए और एक भाई को भाई से लड़ाए, आने वाले दिन उसका विसर्जन और जनाजा निकलना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सियासी कहानी अब उस मोड़ पर है जहां इंडिया गठबंधन अगर किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल कर पाया तो ममता पीएम पद की दावेदार हो सकती। यूं ये अटकलें ममता के चाहने वालों के लिए अभी किसी हसीन ख्वाब की तरह है, लेकिन ये भी सच है कि उन्हें पार्टी ने पीएम कैंडिडेट बताना शुरू कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व जो है इस वक्त जिनके हाथ में है इन कई सालों से, वो ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल लीडर हैं, ममता बनर्जी। ममता जी बहुत ही ममतामयी हैं, लेकिन साथ साथ आयरन लेडी हैं, देश की सबसे इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट पावरफुल और पॉपुलर लीडर हैं। अभी प्रधानमंत्री बनेंगी नहीं बनेंगी वो तो यूनाइटेड ऑपोजिशन की यूनिटी के बाद, उनके निर्णय के बाद वो आदमी बनेगा, जो भी बनेगा प्रधानमंत्री। हम और आप बोलने वाले कौन होते हैं, यूनाइटेड अपोजिशन का इंटरनल मैटर होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ममता बनर्जी जो हैं सबसे बड़ी गेम चेंजर बनकर उभर कर आएंगी, इसमें दो राय नहीं है। ममता पीएम बनेंगी या नहीं ये तो दूर की कौड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासत के खेल में उनके कट्टर दुश्मन है। ममता और मोदी दोनों एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले, इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। चुन चुन के अरेस्ट करेगा, सबको जेल में भेजेगा। अरे अभी तो जेल हो गया, अभी तो हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया, गणतंत्र को अब जेल बना दिया। हर जगह में जेल तो पहले ही बना दिया। आपका एक पॉकेट में एनआईए और एक पॉकेट में सीबीआई, एक पॉकेट में ईडी। दीदी ने कहा है कि वो मोदी को थप्पड़ मारना चाहती है, दीदी। ओ ममता दीदी, मैं तो आपको दीदी कहता हूं, आपका आदर करता हूं, आपकी थप्पड़ भी मेरे लिए तो आशीर्वाद बन जाएगी। सबको बोलता है आम जो कहेगा वही चलेगा, सबको ये बात समझना है
कि वो लोगों ने जो बोलेगा वही हमका मनना है, अगर हम नहीं मानेंगे तो जब तक भी जाना चाहिए वो जा सकता है इतना दूर तक, इसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। उसका एटीट्यूड है, उसका एटीट्यूड ही है सबको खत्म करने के लिए। इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड को पूछिए ना, वो सामने कुछ नहीं बोलेगा, कैसे बोलेगा, ये लोग तो सब डर में है। महिला विरोधी टीएमसी सरकार ने तो आपके राशन की योजना में ही घोटाला कर दिया। इनके नेता, इनके मंत्री राशन घोटाले के मामले में जेल में है। बीजेपी के आने वाले पिंकू लालू, पिंकू लालू का गुस्सा क्यों आता है? बंगाल में 454 टीम भेजा और मणिपुर में हमारा इतना बैंक जल गया, इतना निकटी पैलेट का कितना टीम भेजा आपने? हम अगर आप ही करते हैं हो जाता है चर्चा, और वो अगर कुतल नहीं करते हैं तो वो बात नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब उनकी ममता से अच्छी पटती थी। वैसे पीएम बनने के बाद भी मोदी ने कई मौकों पर ममता की तारीफ की, लेकिन फिर सियासी मजबूरियों में दोनों की अदावत बढ़ने लगी, या कहें कि लोगों को लगा कि दोनों कट्टर दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन निजी तौर पर दोनों के बीच अलग रिश्ता है। इसी तरह पीएम मोदी की माँ का देहांत हुआ और मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर नहीं जा पाए तो सांत्वना देते हुए ममता की आंखें भराई। माय कंडोलेंसेस मैसेज टू योर फैमिली मेंबर्स एंड अदर्स, बिकॉज़ मदर इज नो सब्स्टिट्यूट टू एनी अदर। प्लीज टेक रेस्ट बिकॉज़ जस्ट यू आर कमिंग फ्रॉम द क्रीमेशन। प्लीज टेक रेस्ट बिकॉज़ जस्ट यू आर कमिंग फ्रॉम द क्रीमेशन। प्लीज टेक रेस्ट बिकॉज़ जस्ट यू आर कमिंग फ्रॉम द क्रीमेशन। नरेंद्र मोदी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के वो नेता थे जिनसे ममता का खट्टा मीठा रिश्ता रहा है। नाराजगी के मामले में ममता अटल जी से कुछ ज्यादा ही छूट लेती थी। साल 2001 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर इलाके में हुई हिंसा में 11 तृणमूल कार्यकर्ता मारे गए थे। ममता लेफ्ट सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रही थी, लेकिन कुछ कार्रवाई न होते देख ममता गुस्से में अटल जी के ऑफिस पहुंची और अपने झोले से हड्डियां और कंकाल की खोपड़ी निकालकर टेबल पर रख दी। बाद में इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी का भी ममता पर अतिरिक्त स्नेह था, वरना कोई वजह नहीं थी कि 2003 में तमाम घटक दलों के विरोध के बावजूद अटल जी ने ममता को दोबारा एनडीए में शामिल कराया था और 2004 चुनावों से महज 4 महीने पहले उन्हें कोयला और खनन मंत्रालय दिया गया था। लेकिन वो दौर अलग था। ममता बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की सबसे बुलंद आवाज में से एक है। ऐसे में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की घनघोर आलोचक भी। ममता बनर्जी को बखूबी मालूम है कि नरेंद्र मोदी की लहर उनका सियासी खेल बिगाड़ सकती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 17% वोट हासिल करने वाली बीजेपी ने 2019 में 40% वोट हासिल किए थे, जबकि टीएमसी महज 3% वोटों की ही बढ़ोतरी कर पाई थी। 2014 में 39.8% वोट मिले थे जो 2019 में बढ़कर 43.3% हो गए। इसी दौरान सीपीएम 23% से 6.3% वोट शेयर पर सिमट गया और कांग्रेस 9.7% से 5.6% वोट शेयर पर। खास बात यह है कि 2014 में ममता ने जहां 34 लोकसभा सीटें जीती, वहीं 2019 में सिर्फ 22 सीटें ही हासिल कर पाई, जबकि बीजेपी 2014 की 2 सीटों के मुकाबले 2019 में 18 सीटों पर पहुंच गई। ममता और मोदी
दोनों इन आंकड़ों की कहानी को बखूबी समझते हैं और दोनों को मालूम है कि बंगाल में खेला हो सकता है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी ममता ने कांग्रेस को साथ लाने के किस्से को परवान नहीं चढ़ने दिया। इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जो मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। लेकिन केंद्र सरकार की एजेंसियों के कथित तानाशाही के खिलाफ तृणमूल के नेता दिल्ली तक पहुंच गए और धरना दिया। उधर बंगाल में ईद पर ममता ने केंद्र से दो दो हाथ करने का ऐलान करते हुए कह दिया कि वो किसी कीमत पर सीए और यूसीसी लागू नहीं होने देंगी। इतना ही नहीं, ममता ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी तृणमूल के नेताओं को जबरदस्ती बीजेपी में शामिल कराना चाहती है। আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের জীবন, নো এনআরসি, নো ক্যাশ, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকার, নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। আর আমার সাথে লড়তে গেলে জেনে রেখো তুমি আমাকে জেলে পুরে দিতে পারো, তুমি আমার গলা কেটে দিতে পারো, কিন্তু আমি একটা বিশ্বাস করি, আর এলো किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है, कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल कुल, हम रहेगा कुल कुल, उसको दंगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बंद फटते हैं है। तो बीजेपी का अपने दम पर 370 सीटों का नारा सिर्फ नारा रह जाएगा और झटके में ममता का कद और बड़ा हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।